खंगालने वाले कहाँ से खंगाले, वो 800 साल का फैक्ट्री यूनिवर्सिटी से आपको कई सारी चीजें उसकी बिब्लियोग्राफी उसकी फैक्ट्री है, एक न्यूज़ और 850 साल का एक गुलामी का इतिहास एक नया रीइन्वेंट किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन हिंदुस्तान का जो प्रतीक है उसके रूप में ताज को देखा जाता है। ताज भी हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की पहचान। बिल्कुल, आज से करीब 25 साल पहले मैं विदेश गया था, हंगरी गया था, तो जो मेरे कमरे में जो होटल के कमरे में फोटो लगा था वो ताज का, तो मैंने कहा कि ये बताओ हिंदुस्तान के होटल के कमरों में ताज का फोटो मिलता है, हंगरी के उस होटल के कमरे में ताज का फोटो था, मुझे आज भी वो एकदम याद है। मैं उस चीज को रिलेट कर रहा था भारत से और कुछ समय के लोगों से भी, वो ताज को मानते थे भारत। तो आप लेकिन अगर आप इस इवेंट को देखेंगे अभी, तो आगे और जो आगे बढ़ेगा जो बाहर भी बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बाहर भी इस प्रकार के संगमरमर होता है, लेकिन हिंदुस्तान में बाहर से लोगों को लेके आए मुसलमान इसीलिए शुरू होने वाली है, 10 बजे बातचीत होंगी ब्रिगेडियर संजय। लेकिन आज सबसे पहले जाते हैं, मैं पांचवी बार को यूनाइट की बात करती और भारत आए और पहली दफा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखना भूल गए सर, या उसमें भी कोई संदेश था। लेकिन सबसे पहले साबरमती आश्रम जाते हैं, मैं गांधी बोर्ड से नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, और एक हिंदू मुसलमान उसके बारे में आज भी जाते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे देश में भी कुछ लोगों आम आप की बातों से ज्यादा उछालने की कोशिश करते हैं, उनकी भी एक संकेत है भारत सरकार की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। देखिए अवश्य है कि जिनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं होता वो एक मुद्दा ढूंढते हैं, या आपका संकेत है वो लेटर पार्ट दूसरे वाले पे है कि आप कोई मुद्दा नहीं, इस कोई मुद्दा बना दो। हाँ, तो ये एक बहुत ही नकारात्मक सोच है, और हमको देखा है जैसे कि पहले के मेहमानों ने भी बोला कि ये एक राष्ट्र का तो ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जब हम उसको